जय माता दी। दोस्तों, माता रानी की कृपा से आप सब लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। आज ही बहुत ही सुहाना दिन है, सुबह के 8:30 हो रहे हैं और हम लोग हैं इस टाइम कश्मीर में और हम लोग जा रहे हैं टुलिप गार्डन। जी हाँ, टुलिप गार्डन एशिया का सबसे बिगेस्ट टुलिप फ्लावर का गार्डन। आज हम लोग आए हैं श्रीनगर, 4 दिनों का हमारा टूर है, तो फर्स्ट टाइम फर्स्ट विजिट टुलिप गार्डन। ये फ्लावर्स का बहुत बड़े एरिया में बना हुआ गार्डन है और ये साल में सिर्फ 1 महीने के लिए आम पब्लिक के लिए ओपन होता है। टुलिप गार्डन तो वैसे दिल्ली में भी है और भी कई जगह पे है, लेकिन एशिया का सबसे बिगेस्ट टुलिप फ्लावर्स का गार्डन सिर्फ श्रीनगर में है। बहुत ही सुंदर फ्लावर्स का गार्डन। अगर आप एक बार यहाँ आ जाते हैं तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह जाता। दूर दूर तक सिर्फ सुंदर सुंदर फ्लावर्स, अगल बगल पहाड़ों से घिरा हुआ और बीच में फ्लावर्स का बहुत बड़ा गार्डन, रंग बिरंगे कलर के टुलिप के फ्लावर्स। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, सपरिवार हम लोगों ने टुलिप गार्डन विजिट करने का सोचा। इस टाइम यहाँ बहुत ही ज़्यादा रश हो रहा है, ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप लोग यहाँ विजिट करना चाहते हैं, आप लोग आए हैं कश्मीर, तो यहाँ आप सुबह आए अगर तो बहुत ही ज़्यादा आपको आनंद आएगा। मौसम बहुत ही ठंडा है और प्यारे प्यारे हल्की हल्की ओस फूलों पर गिरी हुई है, बहुत ही सुंदर नज़ारा, मन आपका रोमांचित हो जाएगा। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इतने सारे खूबसूरत और सुंदर फ्लावर देख के दिल गार्डन गार्डन हो गए। हम लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कभी भी एक बार कश्मीर जब भी जाएंगे तो हम टुलिप गार्डन ज़रूर विजिट करेंगे। हम लोगों ने अपना टाइम इसी हिसाब से हमने अपनी यात्रा की डेट रखी जिसमें हम टुलिप गार्डन विजिट कर सकें। बहुत ही आनंद आया, दिल खुश हो गया, इतने सारे फ्लावर्स फर्स्ट टाइम एक बार एक साथ देखने का अपना अलग ही मजा है। इसी के साथ में एक चेरी गार्डन भी बन रहा है जिसका अभी काम चल रहा है और बगल में और बहुत सारे कई सारे गार्डन्स हैं फ्लावर्स के। अभी यहाँ पे टुलिप फेस्टिवल चल रहा है, फूड फेस्टिवल भी चल रहा है यहाँ पे। अभी मनोज सिन्हा कुछ टाइम पहले जो यहाँ के राज्यपाल हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। अभी आम पब्लिक के लिए खुला हुआ है। अगर आप भीड़ से और रश से बचना चाहते हैं तो मॉर्निंग टाइम आइए, मॉर्निंग टाइम घूमने का अपना ही मज़ा होता है, रश कम होता है, आप फुल इंजॉयमेंट होती है, आप अच्छे से पूरा गार्डन विजिट कर सकते हैं, बहुत ही आनंद आता है। हमारी ये फर्स्ट टाइम कश्मीर यात्रा है, इससे पहले एक बार मैं आया था लेकिन मैं विजिट के पर्पज़ से नहीं आया था, अपने पर्सनल काम से आया था, लेकिन इस टाइम हम फैमिली के साथ कश्मीर विजिट के लिए आए हैं, कश्मीर घूमने के लिए आए हैं। तो बहुत ही यहाँ का सुरक्षा का माहौल है, जब से यहाँ धारा 370 हटी है यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है, आम पब्लिक के लिए बहुत ही बढ़िया है, कोई डर का माहौल नहीं है। CRPF और JNK पुलिस के जवान हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ दिन रात लगे हुए हैं, कोई घबराहट और टेंशन की बात नहीं है, आप लोग आराम से इंजॉय करो, बहुत ही मज़ेदार क्षण है, बहुत ही आनंद आ रहा है। फर्स्ट टाइम कभी सोचा नहीं था, इतना सुहाना यहाँ का मौसम है, अगल बगल आप देखेंगे तो दूर दूर तक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ गार्डन है, 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, 1 तरफ डल लेक है, 3 तरफ से पहाड़ हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा। हर बार इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा फ्लावर्स की चेंजिंग की जाती है, कभी राउंड शेप में रहते हैं, कभी लंबी रो में रहते हैं, बहुत दूर दूर तक, बहुत ही मनमोहक दृश्य, बच्चे बहुत ही ज़्यादा रोमांचित और खुश हैं। हमारा आना यहाँ सार्थक रहा, बहुत ही सुंदर, ये क्षण हम अपनी आंखों में हमेशा के लिए कैद कर लेंगे, इस चीज़ों को हम कभी भूल नहीं सकते। कभी भी दोस्तों अगर बजट बने और टाइम हो, समय हो, अपने काम धंधे समय निकालें तो एक बार टुलिप गार्डन ज़रूर विजिट कीजिए, लाइफ में एक बार ज़रूर आइएगा कश्मीर विजिट के लिए, बहुत ही अच्छा है।
कश्मीर यूं ही नहीं धरती का स्वर्ग कहा जाता, कुदरत ने इसको संवारने में, इसे सुंदर बनाने में अपनी पूरी काया लगा दी। इतना मनमोहक दृश्य, पहाड़ों से बर्फ से लदे हुए यहाँ के पहाड़, बहुत सुंदर यहाँ का मनमोहक दृश्य, मंदिर बहुत ही सुंदर सुंदर, आप यहाँ शंकराचार्य टेम्पल बहुत ही अच्छा है जो शिव जी को समर्पित है, वहाँ वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, वहाँ भी बहुत ही आनंद आता है। वहाँ से पूरे श्रीनगर कश्मीर का पूरा व्यू बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, रंग बिरंगे पेड़ पौधे, फ्लावर्स। हम लोग सुबह जल्दी आ गए थे इसलिए हमें रस नहीं मिला और फुल एंजॉयमेंट हुआ, हम अच्छे से वीडियोग्राफी कर पाए और विजिट कर पाए अच्छे से, बहुत ही आनंद आया, दिल बहुत ही खुश हो गया। जब भी आपको अगर कभी टाइम मिले तो आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, बहुत ही आनंद आया। फर्स्ट दिन, फर्स्ट टाइम हम लोगों ने सबसे पहले ट्यूलिप गार्डन विजिट करने का ही सोचा था, क्योंकि जब हम यहाँ से निकले उसका इतना रस हो गया, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई, इसलिए अगर टाइम से पहले अगर आप आते हैं तो बहुत अच्छे से आप गार्डन विजिट कर सकते हैं। ट्यूलिप गार्डन सिर्फ एक महीने के लिए है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ये फ्लावर्स धीरे धीरे मुरझाने लगेंगे, ये सिर्फ एक महीने के लिए ही इनकी लाइफ होती है, तो यही एक टाइम होता है इनको विजिट करने का। तो ट्यूलिप गार्डन 25 मार्च से ओपन हुआ था और हम लोग 27 मार्च को ट्यूलिप गार्डन विजिट के लिए आए थे, बहुत ही सुहाना दृश्य, मैं शब्दों में इसे बयान नहीं कर सकता। कम से कम यहाँ 15 लाख ट्यूलिप्स के फ्लावर्स हैं, बहुत बड़ा एरिया है, इतना बड़ा एरिया है पूरा तो हम विजिट भी नहीं कर पाए, हमने काफ़ी फोटोग्राफी की, जो भी घूम पाए, हम जितना भी गार्डन विजिट कर पाए, बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश और उत्साहित दिखे, रंग बिरंगे पेड़ पौधे यहाँ फ्लावर्स के बहुत ही अच्छे, दिल में एक अलग सा रोमांच पैदा करते हैं, कलरफुल गार्डन है, बहुत ही आनंद आता है। माता रानी का बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग वैष्णो देवी यात्रा के लिए आए थे और 4 दिन के लिए हमने कश्मीर विजिट के लिए अपना ट्रिप बनाया था, तो हमारा आना है सार्थक रहा, हमने बहुत एंजॉय किया, आप लोग ये वीडियो जरूर देखिएगा। जय माता दी।